भद्रा काल होने के चलते धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले राखी बंधवाई, राखी बांधने बागेश्वर धाम दूर दूर से महिलाएं पहुंची, बहनें पहुंची, बहनों ने महाराज को उपहार दिए, महाराज ने बहनों को आशीर्वाद दिया और कई बहनें बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधते हुए भावुक भी नजर आए। तो छतरपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने बहनों से राखी बंधवाई है और दूर दूर से बहनें राखी बांधने के लिए पहुंची थी बागेश्वर धाम और कई बहनें काफ़ी भावुक भी नजर आईं धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधते हुए। भद्राकाल होने के चलते धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ही राखी बंधवाई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे छतरपुर संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंची थी और कई बहनें तो काफी भावुक नजर आई इस दौरान। देखिए सुमित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से जो दर्शक टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बागेश्वर धाम के महाराज जो हैं वो अपनी जो भक्त जो उनके जो बहनें जो उनकी भक्त हैं वो वहाँ पर दूर दूर से यानी देश के कोने कोने से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जो भाई बहन का जो रक्षा सूत्र होता है उसको बांधने के लिए बागेश्वर धाम में पहुंची हुई थी। चूंकि आज 30 अगस्त को रक्षाबंधन है लेकिन भद्रकाल होने की वजह से आज राखी नहीं बन सकती है ऐसा शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, तो इसके पूर्व ही उन्होंने देर रात यहाँ पर रक्षा जो दूर दूर से बहने आई हुई थी उनसे राखी बंधवाई है और उनको उपहार भी दिए हैं और साथ में उन्होंने आशीर्वचन भी दिए हैं कि सुख समृद्धि उनकी बहनों के जीवन में बनी रहे। जी सुमित, ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर रायपुर सेंट्रल जेल में भी हलचल देखी जा रही है।